जिससे प्यार करता था उसी को मार डाला, और शातिर इतना कि मार कर भी उसे जिंदा बताता रहा। उसकी पुरानी आवाज, उसका पुराना वीडियो परिवार को भेजता रहा ताकि सब उसे जिंदा मान लें। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 2 साल बाद वो कातिल हवलदार पकड़ में आ ही गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। किस्सा दिल्ली पुलिस के एक प्रोफेशनल किलर का। 2 साल पहले हुई थी महिला कांस्टेबल की हत्या। होश उड़ा देने वाली हत्या की सनसनीखेज गुत्थी। वो पढ़ाई में फोकस रखना चाहती थी, ये उसको कि घुमाने चल, इधर चल, उधर चल, ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा था। और जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। हत्या की पूरी कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। महिला कांस्टेबल मर्डर में प्यार, धोखा और सस्पेंस। किस्सा डैडा और बेटे के रिश्ते के खौफनाक मर्डर का। कांस्टेबल को जिंदा रखने वाला फर्जी सर्टिफिकेट। वो मरकर भी 2 सालों तक फोन पर अपने घर वालों से बातचीत करती रही। वो उसे मारकर भी ताउम्र जिंदा रखना चाहता था। दिल्ली पुलिस के इस प्रोफेशनल किलर की कहानी जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। मर्डर के बाद भी बैंक अकाउंट से लगातार लेन देन। आरोपी ने किया मृतक के सिम कार्ड का इस्तेमाल। मोना के परिवार वालों को सुरेंद्र पर शक न हो इसलिए सुरेंद्र खुद दिल्ली पुलिस के पास जाता है और मोना को तलाश करने की बात कहता है। वो दिल्ली पुलिस के अफसरों को लताड़ भी लगाता है कि मोना को जल्द से जल्द तलाशा जाए, जबकि हकीकत ये थी कि सुरेंद्र ने खुद मोना की हत्या कर दी थी। प्रेमी संग फरार और मर्जी से शादी का शगुफा। काफी दिन तक ये उनको गुमराह करता रहा, पूरी फैमिली को, कि मैं तो उसके बहुत क्लोज था, मैं आप लोगों के बहुत क्लोज हूँ। और थाने में जाता रहा कि मैं जैसे पैरवी कर रहा है उसकी, कि उसको ढूंढो, पुलिस को ढूंढो, जबकि खुद मर्डर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कत्ल की ऐसी गुत्थी सुलझाई है जिसमें एक पुलिसकर्मी ही कत्ल का आरोपी निकला। हैरानी की बात यह है कि 2 साल पहले महिला कांस्टेबल की हत्या की गई, लेकिन इन 2 सालों में उसने एक बार भी किसी को शक नहीं होने दिया, बल्कि बड़े आराम से अपनी ड्यूटी करता रहा। इस दौरान उसने मरने वाली महिला कांस्टेबल के घर वालों को उसके जिंदा होने का पूरा यकीन दिला दिया था, लेकिन जो सच सामने आया उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो पुलिस की फाइलों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे पुलिस ने 2 साल बाद महिला कांस्टेबल की मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी, यानी गुत्थी सुलझा दे। अब आरोपी कांस्टेबल सुरेंद्र राणा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंकाल बन चुके 2 साल पुराने शव बुराड़ी के पुष्टा इलाके से बरामद किया गया। मोना की मौत हो चुकी थी, वो मारी जा चुकी थी। मारने वाला सुरेंद्र राणा आजाद घूम रहा था। वो एक तीर से कई शिकार कर रहा था, परिवार को भरोसे में ले रखा था, पुलिस को सबूतों से गुमराह कर रहा था। आखिर कैसे, एक एक कर समझिए। सुरेंद्र राणा के पास मोना के कई ऑडियोज थे। सुरेंद्र ने इन ऑडियोज को एडिट किया, एडिटेड ऑडियो अपने साले रॉबिन को भेजे। रॉबिन ने अरविंद बनकर परिवार को कॉल किया। रॉबिन ने मोना के ऑडियोज परिवार को सुनाए। राणा तरह तरह की कहानियां गढ़ता, परिवार वालों को बताता। मारने के बाद भी राणा ने मोना का सिम चालू रखा,
मारने के बाद भी मोना के अकाउंट से पैसे निकालता रहा। उसने मोना के नाम से कोरोना वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। उसने मोना के होटल में जाने की कहानी बनाई, कमरे में कागजात गिरा दिए। वो पहले घर वालों को झूठी जानकारी देता कि उसे किसी ने फोन किया है, घर वालों को झूठे लोकेशन पर लेकर जाता, घर वालों को थाने लेकर जाता, उनके सामने पुलिस को फटकार लगाता। ये ड्रामा 2 साल तक चलता रहा। ताज्जुब की बात है कि दिल्ली पुलिस 2 सालों तक कैसे छानबीन करती रही कि उसे राणा की साजिश की भनक तक नहीं लगी। काफी दिन तक ये उनको गुमराह करता रहा, पूरी फैमिली को, कि मैं तो उसके बहुत क्लोज था, मैं आप लोगों के बहुत क्लोज हूँ। और थाने में जाता रहा कि मैं जैसे पैरवी कर रहा है उसकी, कि उसको ढूंढो, पुलिस को ढूंढो, जबकि खुद मर्डर किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा शातिराना काम ये किया कि अपने साले की ड्यूटी लगाई कि तू पंजाब में जाके इधर उधर जाके फैमिली को फ़ोन करेगा कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ और ये हमने भाग के शादी कर ली है इस लड़की और हमने, और चूंकि मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं और वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए हम छुप के रह रहे हैं, हम बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये करता रहा। पुरानी कहावत है कि अपराध का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। राणा के भी अच्छे दिनों का बही खाता खत्म हो गया। बुरे दिन आए तो पुलिस ने फोन कॉल पर फोकस किया और बहुत जल्द राणा पुलिस के रेडार पर आ गया और पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। उस नंबर पे हमने फोकस किया जिसके कॉल आती थी, वो फेक आइडेंटिटी पे था। फिर उसको आगे चेक किया कि किसकी फ़ोटो है, फिर उस फोटो वाले को पकड़ा, वो ढूंढा हमने। उस फोटो वाले ने कहा कि मैंने तो फोटो उस फला आदमी को दी थी। उस आदमी से आगे इसके साले का लिंक मिला। तो धीरे धीरे परत पे परत बड़े ही अच्छे इन्वेस्टिगेशन से खुली और फिर फाइनली इसको पकड़ा। जब इसके पास कोई चारा नहीं बचा क्योंकि इसके खिलाफ सारे सबूत आ गए, तब जाके इसने कबूल किया। इस तरह सुरेंद्र राणा का खेल खत्म हो गया। 2 साल की आंख मिचौली खत्म हुई, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली पुलिस की जांच के तरीकों पर सवाल उठा दिए हैं कि आखिर उसे इतना वक्त क्यों लगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो 42 साल का कांस्टेबल सुरेंद्र राणा शादीशुदा था, फिर वो साथी कांस्टेबल पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। मोना यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गई तो भी पीछा नहीं छोड़ा, और जब मोना से सख्ती से मना उसने कर दिया तो उसकी सांसें ही छीन ली गई सुरेंद्र राणा की तरफ से। रिपोर्ट देखिए। कत्ल के इस किस्से में 2 अहम किरदार हैं, मोना और सुरेंद्र राणा। दोनों ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। मोना को 2014 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली और उसकी ड्यूटी लगाई गई पीसीआर यूनिट में, जहां सुरेंद्र राणा पहले से ही तैनात था। साथ में काम करने के दौरान सुरेंद्र राणा उसके संपर्क में आया और वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। हालांकि मोना को कोई खबर नहीं थी, वो सुरेंद्र राणा के इरादों से पूरी तरह बेखबर अपनी ही दुनिया में थी। ड्यूटी पर साथ होने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और मोना सुरेंद्र राणा को डैड यानी पिताजी बुलाती थी और सुरेंद्र भी उसे प्यार से बेटा बोलता था। मोना को लेकर सुरेंद्र राणा कुछ और ही सपने पाले बैठा था, जबकि मोना की आंखों में आईएएस आईपीएस बनने का सपना पल रहा था। इसीलिए वह दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इस बीच सुरेंद्र राणा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मोना से दिल की बात कही, अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मोना ने सुरेंद्र की पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसे अभी अपना सपना पूरा करना है। मोना के इनकार से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच सुरेंद्र राणा उस पर बुरी नजर रखने लगा। जब मोना को पता चला तो उसने इसका विरोध किया। यही वो तारीख है जब सुरेंद्र राणा ने वो कर दिया जिसका इरादा लेकर वो आया था। उसने गला दबाकर मोना की हत्या की और शव को पत्थर में बांधकर एक नाले में फेंक दिया। 8 सितंबर को राणा ऑटो से मोना को लेकर अलीपुर
अपने घर की तरफ गया। सुनसान जगह ऑटो रुकवाता है और मोना का कत्ल कर देता है। इसके बाद मोना की लाश को नाले में पत्थर से बांधकर छिपा देता है, लेकिन मोना का सिम और एटीएम कार्ड अपने पास रख लेता है। पुलिस में नौकरी करने वाला सुरेंद्र राणा जुर्म की तमाम बारीकियों के साथ साथ पुलिस की चाल और तौर तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। उसे यह पता था कि कैसे जुर्म को छुपाया भी जा सकता है। 8 सितंबर 2021 को राणा ने मोना की हत्या की और 2 साल तक पुलिस और मोना के घर वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने यह केस सुलझाने का दावा किया, यानी कि पूरे 25 महीने तक सुरेंद्र राणा के बुने जाल को दिल्ली की स्मार्ट पुलिस तोड़ नहीं पाती। खुलासा हुआ कि सुरेंद्र राणा मोना के परिवार वालों को यह कहकर झांसा देता रहा कि वो मोना को समझाने बुझाने में लगा है। जरा सोचिए, जो हत्यारा था वही खुद को सबसे बड़ा मददगार साबित कर रहा था, खुद को मोना का शुभ चिंतक बता रहा था, परिवार के साथ साथ वो दिल्ली पुलिस को भी झांसा दे रहा था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो मोना की हत्या के बाद सुरेंद्र ने मोना के परिवार को खुद फोन किया, परिवार को बताया कि वो किसी अरविंद के साथ गायब हो गए, फिर वो उसके परिवार के साथ मोना को ढूंढने का नाटक करने लगा और इसे लेकर कई बार थाने भी पहुंचा। अरे मम्मी गुस्सा कर रही है, नहीं नहीं दिमाग खराब कर रही, चिल्लाएगी मम्मी, फिर आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी, उनसे बात कर लो एक बार। मम्मी को वैसे दुनिया भी पड़ी रहती है और दुनिया ये कह देगी, दुनिया वो कह देगी। मोना की इस आवाज ने सचमुच सुरेंद्र राणा का बड़ा साथ दिया। सुरेंद्र इसी हथियार से मोना के घर वालों को झांसा देता रहा। अब सुरेंद्र को पूरा मौका मिल चुका था कि वो अपनी गढ़ी कहानी मोना के घर वालों को सुनाकर उन्हें यकीन दिला सके कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो कह रहा है। तब वो इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री करवाता है और अपने साले को लाता है, जो अरविंद बनकर मोना के घर वालों को फोन करता था। असल में ऐसा करके सुरेंद्र सिर्फ मोना के घर वालों को ही झांसा नहीं दे रहा था, बल्कि अपने महकमे यानी दिल्ली पुलिस की आंख में भी धूल झोंक रहा था। सुरेंद्र राणा ने बिसात कुछ इस तरह बिछाई थी कि दिल्ली पुलिस भी उसका पैंतरा भाप नहीं पाई और पुलिस उस मोना की तलाश करती रही जो कब की मर चुकी थी और उसका कातिल खुद पुलिस की वर्दी में मौजूद था और उसको मारने वाला सुरेंद्र राणा आजाद था, जो एक ही तीर से कई शिकार कर रहा था। राणा तरह तरह की कहानियां गढ़ता और मोना के परिवार वालों को सुनाता रहता। मोना की हत्या के बाद भी सुरेंद्र राणा ने उसका सिम चालू रखा। मर्डर के बाद भी उसने मोना के अकाउंट से पैसे निकालना बंद नहीं किया। 2021 में सुरेंद्र ने मोना के नाम से कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी बनवाया, मोना के होटल में जाने की कहानी गढ़ी और सारे कागज प्लांट कर दिए। वो पहले घर वालों को झूठी जानकारी देता और घर वालों को गलत लोकेशन पर ले जाता। सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ थाने जाता और खुद पुलिस वालों को डांट लगाता। 2 साल तक ये ड्रामा चला। इस दौरान दिल्ली पुलिस मोना की गुमशुदगी में ही तलाश करती रही, मगर सुरेंद्र राणा के अच्छे दिनों का अकाउंट खत्म हो गया, क्योंकि अब जांच क्राइम ब्रांच के हाथ लग गई और क्राइम ब्रांच ने फोन कॉल पर ध्यान दिया तो सुरेंद्र राणा रेडार पर आ गया। और आखिरकार कानून को गच्चा देने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा 2 साल की आंख मिचौली के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साल 2021 में सुरेंद्र मोना को लेने के लिए मुखर्जी नगर जाता है, दोनों में कुछ देर वहां पर बातचीत होती है, उसके बाद सुरेंद्र मोना को लेकर अपने घर अलीपुर में पहुंचता है, दोनों के बीच वहां पर बहस होती है, जिसके बाद सुरेंद्र मोना की गला दबाकर हत्या करता है और लाश को नाले में फेंक देता है। सुरेंद्र वापस मोना के घर जाता है, मोना को जब मोना के परिवार वाले तलाशते हैं तो आरोपी सुरेंद्र कहता है कि मोना किसी और के साथ चली गई। मोना के परिवार वालों को सुरेंद्र पर शक न हो इसलिए सुरेंद्र खुद दिल्ली पुलिस के पास जाता है और मोना को तलाश करने की बात कहता है। वो दिल्ली पुलिस के अफसरों को लताड़ भी लगाता है कि मोना को जल्द से जल्द तलाशा जाए, जबकि हकीकत यह थी कि सुरेंद्र ने खुद मोना की हत्या कर दी थी। हालांकि सुरेंद्र राणा के पकड़े जाने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।